गुड मॉर्निंग, सुबह के 8 बज गए और अभी हम केदारनाथ की चढ़ाई कर रहे हैं। मतलब अभी हम उस जगह पे रुके हुए हैं जहाँ से दो रास्ते अलग होते हैं ना, एक में एक लंबा पड़ता है और उस पर लेकिन चढ़ाई कम होती है, और एक शॉर्ट पड़ता है लेकिन उस पर खड़ी चढ़ाई हुई है। तो हमने जो लिया है वो खड़ी चढ़ाई वाला लिया है, और शॉर्ट वाला ये है। ये रास्ता नीचे वाला जा रहा है, अगर आप देखेंगे नीचे से जा रहा है ये, तो ये शॉर्ट है। और देखो यहाँ से बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आने लगे हैं सामने, बस वहीं जाना है अपन को। मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर और चलना है। और महाराज यार ये भाई चाय पीने लगे थे तो यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं, ये साथ ही चल रहे, तो मैंने कहा रुक जाओ थोड़ी देर, अब हम भी रुक ही जाते हैं इनके लिए। तो भाई फुल बर्फ़ ही बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आने लगे हैं। मतलब यहाँ से 6 किलोमीटर और ऊपर चढ़ना है। सुबह से हम बिना रुके 1 घंटे में हम 4 किलोमीटर तो चढ़ गए हैं, अभी 6 किलोमीटर और चढ़ना है। और महाराज वहाराज मिले हैं तो बैठे हैं, बातें वातें कर रहे हैं थोड़ा, फिर चलते हैं अभी वापस। और अब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ज़्यादातर ब्लॉगर दिखाते ही नहीं है, ऐसा होती है केदारनाथ यात्रा इतने कीचड़ में। मतलब अभी यहाँ तो फिर भी थोड़ा कम है, लेकिन इतने कीचड़ में वो देखो चमक रहा है, पहाड़ चमक रहा है ना वाइट वाइट। अभी चलो ऊपर, वहाँ तक काफ़ी कुछ है। तो यहाँ से बर्फ और शुरू हो गई है। ओ भाई शॉर्टकट लिया है, अगर लॉन्ग कट जाना है तो वो है, हम लोग इतना सीधा निकलेंगे। ठीक है, देख लो भाई थोड़ा बहुत और बचा है। ये पहाड़ पार करने के बाद आपको सीन नज़र आने लग जाएंगे, बर्फ़ वाले खतरनाक वाले। और सीन तो अभी पीछे के भी कमज़ोर नहीं है। चलो स्वर्ग दिखाता हूँ। हाँ भाई खतरनाक। चलो चल रहे अपन भाई। तो फाइनली थोड़ा और बचा है ब्रो, थोड़ा और, इसके बाद ऐसी बर्फ में हम पहुँच जाएंगे। देख रहे हो ऊपर ये वाला पहाड़ तो पूरा बादलों में, बादलों की वजह से आधा है तो दिख ही नहीं रहा थोड़ा बहुत तो ऊपर का इसका। ये देखो भाई कहाँ कहाँ से आए हैं हम लोग चल के, और जो पैदल नहीं जा सकता ना उनको इस तरीके से पालकी वगैरह में बिठा करके ले जाते हैं। बच्चों को तो एक ही आदमी ले जाता है, कोई बड़े होते हैं ना तो उनको चार ले जाते हैं, और जो घोड़े पे बैठ सकते हैं उनको घोड़े पे, घोड़े क्या खच्चर है मतलब, ले जाते हैं भाई। ये देखो इधर, ये है केदारनाथ की वादियाँ। हाँ बस उस पल का इंतज़ार है जब हम मंदिर में होंगे ब्रो। हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो, ज़्यादा पैसा है तो आपके पास। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो एक हेलीपैड है, पहले यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह उतरा करते थे, अपनी उतरते शायद, इसलिए अब यहाँ पे पब्लिक भी है। हेलीकॉप्टर तो यहाँ पे आपको आते जाते दिखते रहते होंगे, मतलब हर मिनट में आता जाता है, क्योंकि वो नीचे से टूरिस्ट लोगों को लेके आता है ना, तो भाई ये देखो पहाड़ देख रहे हो चारों तरफ, और इधर स्नो के पहाड़ बहुत खतरनाक। अभी इधर क्या धूप नहीं है, जैसे ही पहाड़ पे धूप पड़ती है ना ऐसा चमकता है एकदम, जिसे मतलब पूरा एकदम वाइट ऐसा चमकता है, गजब का। हमें चलना है भाई, ये रास्ता बना हुआ है, यहीं से चढ़ेंगे ऐसे 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 सांप की तरह घूमते हुए उधर से आगे। भाई देख लो जन्नत देखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना दूर पैदल चल चल के आना पड़ रहा है। इसके बाद मिलेंगे बाबा। ये शुरू हो गया भाई फिर से। माय गॉड, मतलब इस जगह पे
बैठ करके जो फील आ रहा है ना, वो शायद आपको कैमरे में नहीं आएगा क्योंकि ये वाइड एंगल भी नहीं है भाई। बहुत गजब था, बहुत खतरनाक फीलिंग है। इनको मेरे को ही धक्के मार के भेजना पड़ेगा, जाएंगे नहीं तो लग रहेंगे। अरे जाओ ना, ओ महाराज जाओ ना, जल्दी जाओ यार, फिर आगे चलेंगे। देखो बारिश होने, बारिश का मौसम होने लग गया। ठीक है महाराज जी, फ्रेश होने जा रहे हैं। ओह माय गॉड, बादल देखो भाई, टाइम लैप्स लगा दूं क्या? एक क्या ये नज़ारा कहीं आप मिस ना कर दो। उधर अभी फोग है, वरना आप ये जो बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे थे ना दूर से, उनके एकदम पास है हम। और अभी तो आगे जाना है 3 किलोमीटर। और ये देखो केदारनाथ का रास्ता, ये स्नो तो खैर आ गई है, स्नो स्टार्ट हो गई है यहीं से। ये देखो इधर पड़ी है, बगल में इधर पड़ी है, खच्चरों के लिए इधर से पैदल चलने वाले चाहे तो शॉर्टकट अपना सकते हैं। ये सीधा लंबा, वो जो सामने बड़ा सा पत्थर दिख रहा है ना, वहाँ जाके मिलेगा। और अगर ऐसे इस रोड से जाओगे तो इधर से घूम के फिर इधर से वापस आके फिर उधर से घूम के ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। तो आई थिंक अपन तो शॉर्टकट ही लेंगे भैया, पैदल चल रहे हैं। और ये देखो सामने के व्यू, अभी हम इन भैया के साथ ट्रेवल कर रहे थे, फोटोग्राफर रहे। और भाई देखो तो सही, एक बार इधर आ गया स्वर्ग, किधर आ गया किधर आ गया सीरियसली समझ नहीं आ रहा। बहुत अभी तो आगे तक चलेंगे ना हम लोग, और मस्त लगा दिखेगा वहां से, बहुत गजब। ओ बाबा, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब ये बच्चे इसकी मेरे ब्लॉग वीडियोस में इसको देखेंगे इस तरीके से, इसके हकीकत, तो इनके ऊपर क्या बीतेगा, मतलब कैसा लगेगा इनको। तो खैर ये भी इंसान गलत नहीं है, बस ये भटका हुआ है, इसका मार्गदर्शन सही नहीं है। और गुरु की बात करूँ तो अभी तक मुझे लगता था कि जो हमारे साथ पहले थे स्टार्टिंग में, इनके साथ जिन्हें ये गुरु जी बोलते थे, वो इनके गुरु है। लेकिन सच कुछ और था, मतलब वो इनके गुरु नहीं थे, वो भी इस जर्नी के दौरान ही इससे मिले थे। और उसके बाद जो ये गुरुजी बोलने लग गया, और मुझे लगा शायद गुरुजी होंगे। तो फिर वो गुरुजी से मैंने पूछा था, मैंने कहा ये आपके साथ ही रहते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया था कि नहीं, ये तो हमें केवल जर्नी के दौरान मिला था। तो इसीलिए इनका सही मार्गदर्शन नहीं है, इसीलिए इतने आसक्त हैं कि इनको ना तो इनके पास कोई गुरु है और ना इन्होंने कभी गीता ऐसे हमारे ग्रंथ है वो अध्ययन किए हैं। तो फिर ये अब क्या ये सोचते हैं कि मतलब अपना मांग करके पेट भरना, थोड़ा बहुत नशा करना और मुंह पर बोले बोले का नाम रखना हमेशा, जिससे भी बात करनी है उससे बोले बोले करके करनी, इसी को ये पूरा अध्यात्म साधु का जीवन ये सब समझते हैं। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वहाँ कब पहुँचूँगा मंदिर तक। ये भाई साहब तो अभी जस्ट उन लड़कों के पास से उठ कर के आए हैं, उन भाइयों के पास से, और ऊपर चढ़े मतलब 10 कदम चढ़े होंगे, 10 कदम चले होंगे, उसके बाद ऊपर ये शॉप है, वापस वहाँ रुक गए। क्या करे गाइस, गाइस फाइनली आ गए हैं, देख लो भाई नज़ारे सामने के दाना, और ये पूरे पहाड़ इधर से हेलीकॉप्टर हमेशा ही चलता ही रहता है। ये पीछे का कुछ इस तरीके का सीन है। ओ भाई देखो ऊपर वहाँ पे भी बर्फ। चलो
दर्शन वर्शन किए जाए। और मंदिर शायद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ से, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही हल्की सी गुंबद दिखाई दे रही है, मंदिर है। और इस साइड देखे अगर तो ये ऊपर शायद भैरव बाबा का मंदिर है। चलते हैं गाइस, दर्शन किए जाए। अपनी ये मंदिर में दर्शन करने से पहले मैं एक बार यहाँ का पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा है, इस साइड से हम आए थे। और भाई पीछे का पहाड़ देखो, बहुत खतरनाक। ये पूरा इसका चारों तरफ का हो गया। ये सामने मंदिर की साइड का है व्यू, और यहीं पे मंदिर है। ये रास्ता यहाँ से हमें जाना है ऊपर की साइड, इन घरों के पीछे की साइड है। और यहाँ पर ये बर्फ नहीं है, नदी है, ये बह रही है भाई। तो अब बस चलते हैं सीधा, मोबाइल रख लेते हैं अंदर। तो सबसे पहले आता है देवी गंगा माँ मंदाकिनी मंदिर, यहाँ पर है, देख रहे हो, मंदाकिनी मंदिर है। तो फाइनली ये रहा हमारा केदारनाथ धाम, जिसके लिए हम इतनी दूर से चल चल के उठते गिरते ठोकरे खाते आए हैं। और फाइनली हमने टच कर लिया है। इनमें से बहुत से हैं जिनके साथ मैंने ट्रेवल किया है, पर उनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा मैं।